हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा जसवानी। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी 7 गोल्डन वेज टू बी हैप्पी, 7 ऐसे तरीके जिससे हम खुश रह सकते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट, ऑलवेज एंगेज योर सेल्फ पॉजिटिवली। हमेशा खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहिए, बिकॉज एन आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नाउ सेकेंडली इज यूजलेस वर्ड्स। कभी कभी हमारी बात किसी को हर्ट कर सकती है, इसीलिए ऑलवेज फर्स्ट यू थिंक देन यू स्पीक, बिकॉज योर टंग इज सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग फ्लावर्स और थॉर्न्स। नेक्स्ट, लर्न टू से नो। कभी कभी हम अपने डेली लाइफ के शेड्यूल में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम चाहकर भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते, इसीलिए उस टाइम में वी हैव अ लिमिट टू अवर एनर्जी एंड इंटरेस्ट, वहां आपको नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें पता है कि हमारा फ्रेंड कोई गलत काम कर रहा है पर फिर भी वो हमारी हेल्प चाहता है तो हमें वहां भी नहीं बोलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, एक्सेप्ट योर मिसडीड इंस्टेंटली। इफ यू हैव डन मिस्टेक देन यू मस्ट हैव द करेज टू एक्सेप्ट इट। Learn from your mistake and try to correct it, because your best teacher is your last mistake. Now next, time for a change. According to time, we must change it, otherwise our life will be full of loneliness and quarrel. That's why be practical. Now next, first write yourself, then give it to others. कभी कभी हम किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, बाद में पछताने से अच्छा है फर्स्ट वी वेरीफाई व्हाट इज द ट्रुथ एंड देन वी टेक द डिसीजन। नेक्स्ट, टेक डिसीजन आफ्टर गेटिंग अदर्स ओपिनियन। हमेशा ईगो में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ईगोस्टिक डिसीजंस ऑलवेज गिव्स यू पेन। सो फर्स्ट यू लिसन एंड देन यू थिंक व्हाट इज द राइट पाथ एंड देन यू मूव। These are the 7 golden ways to be happy. Go through it. ये 7 golden ways, 7 steps about life एक motivational book से ली गई हैं, जिसके author हमारे प्रिय गुरुजी श्री गिरिराज जी शास्त्री हैं। Thank you for watching. Stay tuned, stay connected. आपको मेरा video कैसा लगा? Comment करके जरूर बताइएगा।